आप कम सबा सक्ष जॉइन एक चलो फोटो क्या भी उधड़ी कट्टा चले सर राइट से ऑल ऑफ यू राइट हमारा राइट था हां सामने ए रवि सेंटर लेफ्ट ऑल ऑफ यू लेफ्ट अभी ले ऑल ऑफ यू लेफ्ट आ रहा लेफ्ट गाइस लेट्स टू बू बू Thank you. Okay. Sir, right me. Right me. आपके right में. नर्वसनेस होती है कि जितने भी मिलियंस हो वो कम लगते हैं और मिलियन चाहिए बिलियंस चाहिए अभी तो तुषार ग्रीडी हो रहे हैं मैं तो मिलियंस के साथ ही खुश हूँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सो मेनी व्यूज और इतने टाइम बाद आई एम डूइंग अ सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ सीरीज लाइक दिस और मैं इसमें हसीना का किरदार निभा रही हूँ एक गोस्ट का तो भूतनी बन के तो मुझे बहुत मज़ा आया आई लव्ड बीइंग अ भूतनी इन द सीरीज I think, I mean, in fact, more than the scenes that we had together, which are very few, I think it was just fun interacting a lot on set,
with everyone, with Malika, and we worked together earlier, but it's been a long gap, so it was nice to get to know her all over again. And the new life, you know, yes. abroad that she's led all these years. So, बहुत ही एक different मलिका मतलब पहचानने में आई इस बार than the Malika that I knew earlier. Yes. And it was very refreshing. She's so fit, so well maintained, and such a positive person. और set पर भी मतलब जो भी हमारे scenes थे उनमें तो I think इतना मजा आया कि बट इतने मतलब मतलब एक जो एनर्जी के साथ किया हम सब ने और इतना इतने सारे सीन्स किए कभी कभी एक दिन में कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गए वक्त का पता ही नहीं चला एक्चुअली दो सीन्स दैट आई हैव डन विद हर व्हिच वी आर टुगेदर इन आर वेरी इंटेंस दे आर हाई एनर्जी सीन्स हाई ऑक्टेन व्हाटएवर यू मे कॉल इट एंड दे कम एट अ पॉइंट इन द फिल्म वेयर यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरीबॉडी इज ऑन दिस रियली पैनिक स्ट्रिकन मोड तो ये समझ में नहीं आता अच्छा ये मलिका ये वो ये क्योंकि सब साथ में थे उस टाइम पे सो हमने बातें बहुत की एक्चुअली मैं एक्चुअली इतना टायर्ड हूँ अभी कि कोई मुझे कोई भी मुझे डरा नहीं सकता आई एम राइट नाउ सो बड़े सरल शब्दों में मैं अपना किरदार बताऊंगी हाँ तो हसीना मान जाएगी हसीना मान जाएगी लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी ये मेरा किरदार है ये आपका किरदार हाँ तो सर जी आई नो कि आप थोड़ा टायर्ड हो चुके तो थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं कॉफी भी नहीं हुआ तो कैसे टायर्ड हो सकते आई डोंट नो आई थिंक आई नीड कॉफी का जो लेवल था वो हाई नहीं था नंबर 5 लेवल का एस्प्रेसो जो था यानी 10 लेवल का थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं मानव है वो मतलब नाम मानव है उसका और मानव इतना भी सीधा नहीं है लेकिन वो दिखाता नहीं है वो क्या क्या है उसके अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल तो वो अपने फ्रेंड्स को वेलकम करता है क्योंकि वो सब आ गए हैं उसके रिजॉर्ट में अभी जैसे आपने ट्रेलर में देखा और सब मतलब एक हनीमून रिजॉर्ट में एक पार्टी सा इंजॉय करने आए हैं वीकेंड पार्टी इंजॉय करने आए हैं बैचलर पार्टी इंजॉय करने नहीं सब कपल्स आए हैं हां लेकिन बड़े चालू लड़के हैं सारे हाँ, सब बड़े चालू हैं वो नॉट इन दैट पुराना मंदिर स्टाइल इन दैट कूल मॉडर्न स्टाइल यस बट उसके बाद उनकी पार्टी का क्या हर्ष हां क्या बोलते हैं क्या हाल होता है क्या हाल होता है वो आपको दिखाई देगा और मानव क्या करता है उसके बाद और मानव के साथ क्या होता है वो मेरे किरदार के साथ होगा फिलहाल ही इज़ अ स्मार्ट गाय ही इज़ अ नॉर्मल सिंपल पर्सन बट वेरी स्ट्रीट स्मार्ट इन हिज ओन वे ये मतलब कल आके क्या करती है इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं चलता क्योंकि आ रही है कि जा रही है इसके पैर उल्टे तो इसके पैर उल्टे देखकर ही मैं मतलब शॉक में रह जाता हूँ उल्टे पैर वाली लड़कियों से तो बहुत डर लगता है लेकिन सब मुझे देख के उल्टे पैर भाग जाते हैं एंड शी कम्स अप फ्रॉम शी कम्स फ्रॉम समवेयर लाइक अ लाइक दिस यू नो दिस I don't know what you may call it, but वो सडनली आसमान से उतर के आती कभी भी उसको चाहिए तो वापस ऊपर चली जाती है तो एक्चुअली हम लोग बहुत डर जाते हैं उसको देख कर और आई थिंक देयर इज अ मिस्ट्री एलिमेंट बिकॉज हमें पता नहीं होता कि ये हमारे साथ इतने दिन थी इस रिजॉर्ट में जब मालूम पड़ता है तो सबकी फट जाती है बहुत ही पॉपुलर होते जा रही है हर किसी को ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है आप लोगों ने भी अपना डेब्यू कर तो बताइए कि ये दुनिया ये जो है वेब सीरीज की कितना पसंद आ रही है आप लोगों को एंड कितना एंजॉय किया आप लोगों ने बिल अभी तो 27 को पता चलेगा कि कितनी पसंद आ रही है ये दुनिया लेकिन इस फिल्म इस शो को बनाने में तो बहुत मज़ा आया एंड जैसे कि मलिका कहती है OTT प्लेटफॉर्म में हम आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते अब खुलकर आई फील आर्टिस्ट को बहुत फ्रीडम है यू नो आर्टिस्ट दे नीड टू बी फ्री दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली वेयर इज फिल्म देर इज सेंसरशिप Also, there is a formula. People like to follow a certain formula. But whereas in OTT platforms, you can do as you want. There are no rules. You can break all the rules. So for artists, that is very liberating. For a director, it's very liberating. He can tell the story he wants to tell.
So I prefer as an artist an OTT platform more than the film. Also, और इसकी release एक normal film के release के मुताबिक बहुत ही अलग है. You don't, you're not pressurized to promote it only towards the release date. Release के बाद भी कर सकते हैं. आप मतलब जब तक show चलेगा तब तक promote कर सकते हैं. So there's no deadline as far as you know the way we are promoting it. ऐसा नहीं कि अभी Thursday को आ रही तो आज हम panic में नहीं हैं. क्योंकि हम थर्सडे को भी कर सकते हैं, फ्राइडे को भी कर सकते हैं. जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते जाएगा और प्रमोट कर सकते हैं. ऑब्वियसली बनाने में एक टाइम कंस्ट्रेंट होती है क्योंकि देयर आर बजट्स दैट वी हैव टू वर्क अराउंड, देयर आर टाइमलाइंस दैट वी टू वर्क अराउंड, और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुत सारे शोज होते हैं तो सबकी मतलब एक रिलीज डेट होती है, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दोज डेडलाइंस. बट यू कैन, यू नो, यू कैन डू, देयर सो मेनी चेंजेस दैट वी हैव कम अक्रॉस, लाइक द वे वी आर प्रमोटिंग द शो, द, यू नो, द काइंड ऑफ the performances that we were asked to deliver, that she, as she said, there was a lot of creative freedom there. The way it was written Absolutely. Is very different from the way films are written, and there's a lot more treatment also because there are so many episodes. The treatment bhi aap zyada de sakte hain, you're not packing it in 2.5 hours. You can treat it as much as you want because you have 9 episodes. So sir, jaate aate hain streaming hone wali hai, ye boom sabko zara ke to aapko zara bata diye ki streaming hone wali hai. कैमरे में बोलो. हेलो, आई एम मलिका शरावत. हाय, दिस तुषार. 27 जून बू इज स्ट्रीमिंग ऑन ऑल्ट बालाजी. प्लीज वॉच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. बाय. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड.